क्या क्या ठिकाणी मन जाय माझे क्या क्या ठिकाणी रूप तुझे क्या अलग लगा आपको और अब गणपति चालू हो चुके हैं, आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है? सबसे बड़ी बात तो ये है, मुंबई चा सेठ जो है ये मेरी गणपति है, केवल भाई के गणपति मतलब मेरी गणपति है, बिकॉज रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ मैं सालों से जुड़ी हुई हूँ. ये मेरे घर है, ये मेरे घर है, दिस इज़ माय सेकंड फैमिली, दिस इज़ माय फैमिली इन बॉम्बे. सो ये गणपति पापा जो है ये मेरे गणपति पापा है. और ये गणपति पापा में सबसे अच्छी बात ये है हमारे कि हर साल ये लोग एक थीम रखते हैं. इस साल उन्होंने एक थीम रखा है कि पापा का मान आपका सम्मान. मीन्स हमारी डे टू डे लाइफ में या सोसाइटी में कोई भी लोग जो छोटे मोटे कोई भी अच्छा काम करते हैं, बी फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस, डॉक्टर, नर्सेज, फीडर्स जो डॉग को खिलाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ऐसे सब लोगों को हम लोग सम्मान करने वाले हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स गणपति बाप्पा. एंड आई डोंट थिंक इट कैन गेट एनी बेटर देन दिस. और इस मैसेज से हम वो भी कहना चाहते हैं कि हमने आप भी पूरा हिंदुस्तान को हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी अगर आपके आजू बाजू कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई सोशल वर्क कर रहा है तो उनको आपको अप्रिशिएट करना है, उनको मोटिवेट करना है, जो हम सबको मिलके करना चाहिए. इसीलिए हमने इस बार हमने एक थीम रखा था, बापा का मान आपका सम्मान. जब मुनमुन जैसी शख्सियत आती है और कहती है दिस इज सेकंड होम, तो कितनी हौसला अफजाई होती है क्या? फ्रेंकली स्पीकिंग मैडम जो है वो मेरी बड़ी बहन है. मैं बहन हूँ, बड़ी छोटी क्या होती है, मेरी सिस्टर है. He is my Rakhi brother. और ये हमारी एक फैमिली है, उसमें सेकंड फैमिली, फर्स्ट फैमिली, कुछ ना फैमिली फैमिली होती है. और ये हमारी एक फैमिली है, हम ऑलमोस्ट 15 साल से साथ में जी. तो ये हमारी एक फैमिली है, उसमें मुझे और कुछ नहीं, फैमिली के बारे में और कुछ नहीं होता है. केवल भाई हैज बीन लाइक अ रॉक सॉलिड पर्सन इन माय लाइफ इन लॉट ऑफ मैटर्स. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हिम कि एनी ऑफ द अगर कोई भी ऐसे बहुत ही लो टाइम रहा है लाइफ में, सो दिस केवल भाई हैज बीन अ वेरी मॉन्यूमेंटल यू नो अ पर्सन इन माई लाइफ. एंड सो इज़ द टीम. तो मुझे अगर जिस दिन मैं फ्री होती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बोर हो रही हूँ, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ. यहाँ पे आप फ्री नहीं, अर्पण है, उनके साथ बैठ के मैं बात करती हूँ, इनके साथ बैठ के बात करती हूँ, तो अच्छा लगता है, डिस्कस करते हैं हम लोग चीज़ें. सो या दिस इज़ फैमिली. मुंबई चसेट इज़ माई हमारे गणपति पापा, मेरे गणपति पापा. सो या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जब हम गणपति की बात करते हैं, उनका आगमन हो चुका है बहुत पूरे मुंबई में, लालबाग का राजा से लेकर अनगिनत जगह, और ये एक अलग तरह का इनिशिएटिव है. इतने इस इनिशिएटिव को आपको लगता है कि बाकी मुंबई को भी अपनाना चाहिए कि आप वो लोग जिन्होंने एक इतने बुरे दौर में पैंडेमिक में, चाहे वो नर्सेस हों, फ्रंट एंड वर्कर हों, बीएमसी स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, पुलिस हो, उन्होंने इतना साथ दिया, क्या लगता है बाकी लोगों को भी
इस इनिशिएटिव से एक सीख लेनी चाहिए और उनको भी इसको अपनाना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस चीज़ का इसी तरह से प्रमोशन भी कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। और जैसे किउर भाई ने कहा कि ये उनकी तरफ से एक छोटी इनिशिएटिव है, आई होप कि लोग ये सुने जाने और वो भी अपने हिसाब से ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाए और करें। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फेलिसिटेट और एक्नॉलेज जो लोग कुछ भी अच्छा काम करते, छोटी छोटी कुछ भी अच्छा काम करते जो दूसरे के लाइफ में काफ़ी फर्क लाती है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दैट। सो या कितना इम्पोर्टेंट है कि बाकी लोग भी इसको अपनाएं। सी कितना इम्पोर्टेंट है वो तो पब्लिक समझेगी। मैं तो सिर्फ एक सबको ये पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस इनिशिएटिव को आप भी अपनी लाइफ में अपनाओ। चाहे आपके घर पे कोई काम करने वाले हो या आपके आजू बाजू कोई भी हो, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसको अगर मैं कोई गिफ्ट दो या कुछ कमर्शियल दो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक आप अच्छे से थैंक यू या वेलकम या आपने बहुत अच्छा काम कर लिया ऐसा कुछ भी बोलोगे तो भी उनको अच्छा लगता है, उनको मोटिवेशन मिलता है, जो मोटिवेट हो गए तो और अच्छा काम होगा। तो इसे मैं पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को, बापा का नाम, आपका सम्मान को आगे बढ़ाओ। मुनमुन की जिस लेवल के फैन फॉलोइंग है, आप इस बात से कितना खुश खुश मानते हैं अपने आप को, बहुत दूर तक बात जाने वाली है जो मुनमुन ने कही है कि भाई सम्मान करिए लोगों का। बस वो तो पता नहीं, बट आई जस्ट होप कि सब तक ये बात पहुँचे और सब इस चीज़ को अपनाएं। अगर 10 लोग भी इस चीज़ को अपना के अपने हिसाब से आगे इस चीज़ को बढ़ा, आई थिंक विल बी रियली ग्रेटफुल और हम बहुत हम खुशनसीब होंगे कि हमारी ये बात आगे तक लोगों तक पहुँचे। ऐसे कुछ एग्जांपल अगर आपको इस बापा को मान आपका सम्मान का अगर कोई एग्जाम्पल चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज मुंबई का सेठ, मुंबई चा सेठ का एक सोशल मीडिया पेज है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, हर जगह पे अवेलेबल है। उसमें हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हुए जस्ट टू इन्फॉर्म पब्लिक कि ये क्या हम बोलना चाहते हैं। तो उसके एग्जांपल्स वीडियो भी है, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया पेजेस में कि बापा को मान आपका सम्मान एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गणेश। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी। थैंक यू।